हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2, उसका थर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इच जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको ढूंढने को बोला गया है। तो इसके पहले हमने जो किया था फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया जाता था और उसमें से हमको जीरो ढूंढने के लिए बोला जाता था। तो यहाँ पर उल्टा बोला गया है, यहाँ पर आपको जीरो दिया गया है, सम ऑफ और प्रोडक्ट और का जीरो दिया गया है और उनको हमको कन्वर्ट करके पॉलीनोमियल बनाना है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो जो भी हमको दिया है वो हम पहले लिखेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो सम ऑफ जीरोस पहले लिखा है इसलिए पहला नंबर सम ऑफ जीरोस होगा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है इसलिए दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। इसमें आपको दो मेथड से बताऊँगा मैं, कौन सा आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखेंगे, पहला तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे हम। ओके, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपन ए आ गया। उसके बाद सम ऑफ जीरोज होने के बाद में क्या करेंगे, अभी इसका नंबर डालेंगे। तो क्या बोला है, जीरो बोला है, तो जीरो नीचे तो कुछ नहीं है और यहाँ पर ऊपर और नीचे है, तो नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो हम वन लेते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा वन लेते हैं। अभी यहाँ पर माइनस भी है, देखो माइनस भी है तो इधर इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे जो भी है, और नीचे तो प्लस है तो प्लस का ही नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस अपन डैश। ओके, तो ये देखो माइनस अपन खाली रह जाएगा। ओके, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई है तो क्या आता है, जीरो आता है, तो जीरो ही लिखेंगे हम इधर। ओके, तो जीरो अपन वन ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, तो ऐसे लिखेंगे बी अपन ए इक्वल टू जीरो अपन वन। ओके, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज का। अभी ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो उसके पहले हम यहाँ पर दो लाइन खाली रखेंगे ताकि बाद में हमको समझो सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन छोड़िए और बाद में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लिखिए। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है, सी ओपन ए, तो सी मतलब ये रहेगा और ए मतलब कुछ भी नहीं दिया है तो हम वन लिखेंगे फिर से, तो रूट फाइव अपन वन हो जाएगा। तो ये देखो रूट फाइव अपन वन हो गया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर और यहाँ पर हमको चेक करना है, ए का लेटर सेम है, नंबर सेम है, तो यहाँ पर ए वन है और यहाँ पर भी वन है, तो दोनों जगह पर सेम है, तो हम डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन और इसमें हम डाल सकते हैं नंबर, तो डालेंगे। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल्स टू जीरो रहता है, तो वही लिखेंगे हम। ये तो लिख दिया, अभी हम ए की जगह पर क्या आएगा, तो ए का नंबर देखेंगे इधर, ए का जगह वर वन है तो वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस है तो उसके बाद बी एक्स है, तो बी का नंबर क्या है, तो बी का नंबर तो जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद सी है तो सी का नंबर क्या है, रूट फाइव है तो प्लस रूट फाइव लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू जीरो, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन एक्स स्क्वायर का कितना आता है, मल्टीप्लाई किया तो वन एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो वैसे ही लिखेंगे वन एक्स स्क्वायर। उसके बाद जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, तो ये ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद प्लस रूट फाइव है, तो प्लस फोर फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए तो नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लाएंगे तो ये देखो ये हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा देखो ये इक्वेशन हो गया। अभी तो इक्वेशन तो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल चाहिए। तो पॉलीनोमियल के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू जीरो जो है वो हम निकाल देंगे इधर का और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। तो ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया। ओके, तो दूसरा मेथड भी देखेंगे कैसा रहता है। तो अभी दूसरे मेथड से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रहता है, पर वही फॉर्मूला हम प्रोडक्ट ऑफ
सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में भी लिख सकते हैं। तो वो कन्वर्जन कैसे रहता है, तो एक फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर हमको दिए गए वो हम लिखेंगे और बाद में हमको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोज़ है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बाद में माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम, उसके बाद सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज़ मतलब ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको नीचे डिनोमिनेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर नहीं है। अगर किसी एक जगह पर डिनोमिनेटर रहता है तो आपको दूसरी जगह पर भी डिनोमिनेटर लेना पड़ता है। यहाँ पर दोनों जगह पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर बाद में ज़ीरो हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोज़ तो ज़ीरो है, तो ब्रैकेट में ज़ीरो डालेंगे। उसके बाद एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट फाइव है, तो प्लस लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे। ठीक है, तो आ गया, इसके बाद इज इक्वल टू जीरो डालेंगे। अभी सॉल्व करेंगे, अभी देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाद में माइनस इंटू प्लस इज माइनस, पर जीरो एक्स का क्या होता है, जीरो एक्स का जीरो हो जाता है, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये नंबर जला जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है, प्लस रूट 15 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 रह जाएगा, तो लिखेंगे रूट 15 प्लस रूट 15 और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे और ये इधर से इधर यहाँ पर जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, तो लिखेंगे। सो द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, थैंक यू।